हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। और मैं हूं अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज का मैं हमारा एससी का जो न्यू टॉपिक लेके आई हूं वो है हमारा पेट्रियोटिज्म। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वाला टॉपिक लेके आई हूं क्योंकि ये वाला जो हमारा टॉपिक है ना, ये हमारा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेट्रियोटिज्म यानी कि देश प्रेम, यानी कि हमें हमारे जो हमारी कंट्री है उसके लिए हमारे मन में हमारा कितना प्रेम है, ये मतलब हम इस एससी से डिफाइन करेंगे, इसमें डिफाइन करने वाले हैं। और मतलब ये जो टॉपिक है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो, सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिशन्स भी जो होते हैं उन कॉम्पिटिशन्स में भी जो है ये टॉपिक दिया जाता है। और अभी भी एक कॉम्पिटिशन हो रहा है जिसमें ये टॉपिक आपको दिया गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 31st of October, है ना, आप चेक कर सकते हैं। सो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाई स्कूल के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्टली ये कभी कभी पूछा जाता है। सो आइए, हमारा जो आज का एसे है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कोटेशन ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने साइड से टॉपिक से रिलेटेड कोई भी, या तो आप खुद से बना के ऐड कर दीजिए, या फिर आप ये वाली लिख दीजिए, या फिर आप गूगल से कोई अच्छी अपनी कोई फेवरेट जो है टॉपिक, मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं, है ना। तो मैंने ये वाली कोटेशन ली है। पैट्रियोटिज्म कंसिस्ट नॉट इन वेविंग द फ्लैग बट इन स्ट्राइविंग दैट अवर कंट्री शैल बी रिचेस एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। देन पैट्रियोटिज्म इज वन ऑफ द प्योरेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। इफ पैट्रियोट फील्स सेल्फनेस टुवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ हिज कंट्री, ही पुट्स द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ हिज कंट्री फर्स्ट। ही ऑलवेज गेट्स रेडी टू मेक सेक्रीफाइस फॉर हिज कंट्री विदाउट थिंकिंग। However, the spirit of patriotism is fading due to increasing competition in every field as well as the changing lifestyle of the people. The history of India's freedom struggle shines through the immortal courage of the heroic personalities like Veer Damodar Savarkar, Mahatma Gandhi, Bal Gangadhar Tilak, Pandit Jawaharlal Nehru, Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad and Sardar Vallabhbhai Patel and many more, who lived in the age of national upsurge and sacrificed their lives for the sake of their beloved country, India. A very inspiring quote by Swami Vivekanand says, "Do you love the country? Then come, let's struggle for higher and better things. Look not back, no, not even if you see the dearest and nearest cry. Look no back, but forward." Usually, we refer to our country as our motherland. This further proves that we must have the same love for our country as we have for our mother. After all, our mother is no less than a mother. Our country is no less than a mother. It nurtures us and helps us grow. Everyone must possess the virtue of patriotism as it makes it better. People express their patriotism in different ways and in different roles. Soldiers, scientists, doctors, politicians and other citizens express their patriotism through their hard work in their profession. Indian soldiers are role models for the youth of India. Highly scriptural, positively secular, completely apolitical, with an ethos of courage and unflinching devotion to country. Mangalyaan or Mars Orbiter mission is one of the best example of scientist devotion towards the country in the pandemic situation. The hardship of doctors and nurses proves their devotion towards their country. देखिए फ्रेंड्स, इसके थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा पैट्रियोटिज्म यानी कि हमारा जो देश प्रेम होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि मतलब हम अपनी कंट्री के लिए अपनी जान दे दें, तो मतलब लोगों की जो सेवा है उसको, मतलब हम अपनी कंट्री में जो हमारे लोग हैं, जैसे कि ये है डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ये अपना जो पूरा सेक्रीफाइस करते हैं यानी कि कंट्री के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में भी कितने ज़्यादा मतलब डॉक्टर नर्सेज सभी मतलब लोगों की हेल्प में लगे हुए हैं, है ना, और बाकी भी लोग जो है करते ही हैं। सो इसके थ्रू हम वही बताना चाहते हैं। नेक्स्ट हम एक कोटेशन और ऐड कर लेंगे। Patriotism is our conviction that this country is superior to all others because you were born in it. India is a democratic country in which the real power rests with the public. By exercising our franchise appropriately, acting as the representative of the people, in truth,
integrity and honesty and freezing the country from the politics of caste, creed and provinciality. We can support its development by removing the evils that are prevalent in the society. We should also improve our country. Patriotism doesn't always mean that you have to sacrifice your life for your country. ये मैंने अभी आपको बताया है, तो ये वही वाला पैराग्राफ आ गया है. Patriotism doesn't always mean that you have to sacrifice your life for your country. Contributing good service towards the country and its people is also equivalent to your sacrifice. Matthew Matthews has set a great example of patriotism. Matthew was an Indian, a resident in Kuwait, and was one of the people credited with the safe airlift evacuation of about 170,000 Indians from Kuwait during the 1990 invasion of Kuwait. The most important thing for the development of a country as patriots think about the country, its growth and countrymen's improvement, it positively impact the development of the country. Then next, आप last में भी एक quotation add कर सकते हैं. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So friends, ये था मेरा patriotism का essay. मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा essay इस पे provide करा सकूँ. कुछ नया लाने की कोशिश की है मैंने. सो अगर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, सो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा. ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.